आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज, आपकी बुलंद आवाज। अलीगढ़ जनपद के सासनीगेट थाने में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। दो युवतियों के साथ दूसरे गुट के युवकों द्वारा छेड़खानी व मारपीट का आरोप लगाते हुए मंच के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए हंगामा काटा। इस दौरान भाजपा की पूर्व महापौर व अन्य लोग भी थाने पर पहुंच गए। मौके पर पहुंचे डिप्टी एसपी ने कहा कि आरोपी युवकों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी ने कहा कि अलीगढ़ अति संवेदनशील शहर है। आज मदीना कॉलोनी में दो मुस्लिम समाज के युवकों ने दो युवतियों के साथ मारपीट व घसीटकर बलात्कार करने का प्रयास किया है। ऐसे के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसे खुरापाती तत्वों के विरुद्ध अलीगढ़ प्रशासन को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। 5 मिनट नहीं लगेंगे अलीगढ़ में आग लगने में। अगर हिंदू समाज बिगड़ गया तो यहाँ की फिजा खराब होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आरोपी 24 घंटे के अंदर जेल नहीं भेजे गए तो शहर की फिजा खराब होने की जिम्मेदारी अलीगढ़ प्रशासन की होगी। वहीं मारपीट व छेड़खानी का आरोप लगाने वाली युवतियों ने बताया कि हम बाजार गए थे, तभी हमें एक युवक कंकड़ी से मारने लगा। उसके बाद गाली गलौज करने लगा। जब हमने विरोध किया तो उसने हमारे साथ हाथापाई शुरू कर दी। इसके बाद उसने चप्पलों से हमारी पिटाई की। उतने पर वहां भीड़ इकट्ठी हो गई और वह लड़का वहां से भाग गया। मामले पर जानकारी देते हुए डिप्टी एसपी ने बताया कि दो लड़कियां बाजार से आ रही थी, उसी दौरान लड़कों ने उनके साथ मारपीट की है। लड़कियां नाबालिग हैं। तत्काल मामले पर संज्ञान लेते हुए मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। लड़कियों को मेडिकल कराने के लिए भेजा गया है। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। अलीगढ़ से लाइव टुडे के लिए संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। बाजार से वापस आ रहे थे, उसने मतलब हमें कंकड़ मारा, फिर मतलब उसने हमें गाली दी थी, फिर उसने हमने मना किया तो उसने हमारे संग हाथापाई शुरू कर दी। हमारे बाल पकड़ के हमें बहुत मार रहा था और फिर हम रोने लग गए, फिर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, फिर वो वहाँ से भाग गया। फिर सब लोग, फिर हम लोग थाने भी आए थे, तो फिर उसके बाद तो फिर उसके घर कोई नहीं मिला। कौन था वो शख्स? वो उसका नाम मुझे नहीं पता, उसे बताया मेरी है, मुझे नहीं पता उसका नाम। क्या है? एक बच्चे के साथ मारपीट की गई है। दो बच्चियां आ रही थी वहाँ पे, दो लड़कों ने उनके साथ मारपीट की और मारपीट बच्चियां नाबालिग हैं, जिस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियोग पंजीकृत कर उनको मेडिकल के लिए भेजा गया, इसमें कठोर वैधानिक कार्रवाई की है। मुकदमा दर्ज हो रहा है जी? हाँ, मुकदमा अभियोग पंजीकृत हूँ। अभी मुकदमा दर्ज हुआ है और जल्द ही आरोपी गिरफ्तारी कर ली जाएगी।